दोस्तों इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सिडौरा वाल्मीकि बस्ती की तस्वीरें हैं, जहां पर आज वाल्मीकि समाज के द्वारा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा बाजार से निकाली गई है। ये शोभा यात्रा सिडौरा के सरस्वती स्कूल से शुरू होकर सिडौरा के बाजार से होते हुए अब वाल्मीकि बस्ती में जो मंदिर है वाल्मीकि मंदिर में जाकर ये समाप्त होगी। तो ये शोभा यात्रा खूब धूमधाम से यहाँ पर पहुँची है। तो चलिए बातचीत भी करेंगे लोगों से, क्या कुछ कहना है इस अवसर पर, तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाल्मीकि समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो एक शोभा यात्रा निकाली गई है पूरे बाजार से सरस्वती स्कूल से चलकर ये शोभा यात्रा अब वाल्मीकि बस्ती में पहुंच चुकी है। तो चलिए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर। जी नवीन जी, कल वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भगवान वाल्मीकि जयंती पूरे शहर के सहयोग से और वाल्मीकि सभा के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए मैं पहले शहर वासियों का और अपने पूरे वाल्मीकि समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वाल्मीकि महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। आज भगवान वाल्मीकि जी की कल 17 तारीख को जो है पावन प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज एक दिन पहले हमारे सिडौरा के अंदर जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन 17 तारीख को जो है भंडारा किया जाएगा और उसमें जो है जो बच्चे इसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उसके जो है प्राइज इनाम दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। और भगवान वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के 88,000 साल पहले रामायण लिख करके एक ऐसा इतिहास रचा और संसार को एक बाबा साहब राम अम्बेडकर जी ऐसी शक्ति दी है जिन्होंने सारी दुनिया को प्रकाश दिखाया। भगवान वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने सृष्टि के अंदर जो है सबसे पहले श्लोक लिख करके एक लिखने की प्रेरणा दी है और सभी समाज को जो है कलम से जो है लिखने की प्रेरणा दी है और जो भी विद्वान जितने भी बड़ा विद्वान हुआ है वो भगवान वाल्मीकि कलम से ही पैदा हुआ है। इसलिए भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की सभी शहर निवासियों को बहुत अलग अलग बधाई और शहर वासियों को प्रार्थना है कि भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को जो है बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाए और मनाते भी है। मैं शहर सिडौरा निवासियों का या वाल्मीकि समाज का उन्हें धन्यवाद करता हूँ और इसी समाज के सहयोग से जैसे हमारे PHC लागू करने के लिए जो है नैन सैनी जी ने एक मुहिम चलाई थी और उन्होंने प्रयास वायदा किया था वाल्मीकि समाज से कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आपका PHC लागू करूंगा। तो हमने जो है पूरा भाजपा को जो है समर्थन करके हमने जो है नैन सैनी जी के हाथ मजबूत करे हैं और हम आज नैन सैनी जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के पर अपने पहले कलम से जो है हमारे समाज को जो है DHC समाज को जो है उनका हक दिला करके उनका हक दिलाए। शुक्रिया विक्रम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले निराला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये प्रोग्राम है जो सारा कैप्चर किया है कवर किया है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज वाल्मीकि प्रकट दिवस की और अपने समाज की तरफ से अपनी सभा की तरफ से सभी शहरवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है जी, भगवान वाल्मीकि सभी के जीवन में प्रकाश करे, सभी के जीवन में उन्नति करे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। युवा साथी हमारे पुराने मित्र भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राशिद जी, आपके न्यूज चैनल निराला का हमारी वाल्मीकि शोभा यात्रा में स्वागत है और हम सभी शहरवासियों को और इलाका वासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बातचीत करते हैं, जो वाल्मीकि सभा के प्रधान हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे वाल्मीकि जयंती के अवसर पर? आज आपने शोभा यात्रा भी निकाली है,
क्योंकि माँ बाप भी बहुत उतावले हो रहे हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की, और मैं सभी के मंगल कामना करता हूँ। भगवान वाल्मीकि सब पर अपना आशीर्वाद रखें, और ऐसे ही जैसे अब की बार हर्षोल्लास के साथ भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रकट दिवस मनाते रहे। सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।